सिद्धा ने कहा कि मैं कुरान पढ़ दूंगा, कुरान तो बड़ी अच्छी ताली बात है। उसे मारा है तुमने उनके बाप को। सिद्धा के आंसू मेरी आंखों से बहे और मैं श्रद्धा को ये पहुंचाना चाहता हूं ये बात कि हमारी सॉलिडैरिटी तुम्हारे साथ में। जो बंदा जिसने ये किया है, मैं उसके ऑन फेस उसे ये बोलती हूँ कि बेटा आपकी आपकी ये जो भी हो, आप मेरे, मैं तो आपको बेटा ही बोलूंगी, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है ना बहुत छोटी है। ये करने से आपने अल्लाह को पाया नहीं, आपने जहन्नम का दरवाजा अपने लिए खोल दिया, क्योंकि आपने किसी नेक फरिश्ते इंसान को मारा है। बेकसूरों को न पकड़े टेररिस्ट और बढ़ जाएंगे, कुछ बेकसूरों को इसके बदले नहीं मारे दहशतगर्दी और बढ़ जाएगी। हल क्या है? पुलिस तो नहीं पकड़ सकती, वक्त से पहले वारदात कर ही जाएंगे, मारने से नहीं रोक सकते। बाद को पकड़ सकती है, मारने से पहले पब्लिक रोक सकती है, आवाम रोक सकती है। आवाम उनके आने से पहले उन्हें रोक सकते हैं। यह पता नहीं होगा सारे आवाम को कि किस वक्त कौन किसे मारकर जाएगा, लेकिन दहशतगर्दी नहीं पनप सकती जब तक लोकल सपोर्ट नहीं हो। मैं नहीं कह रहा सब मुसलमानों की सपोर्ट है, नहीं है, लेकिन वहां पॉकेट्स हैं जिनके पास सपोर्ट, जो सपोर्ट करते हैं। दहशतगर्द टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता जब तक मकामी उसको मदद ना मिले और लोकल सपोर्ट नहीं। ये जो लोग सपोर्ट देते हैं वो ये नहीं सोचते कि इसका कितने बुरे असरात मुसलमानों पर निकलते हैं। अरे मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंसान को छोड़े, अगर इंसान का दर्द उनके दिल से निकल गया है, कितने मुसलमानों पे उसके बदले जुल्म बढ़ जाता है, ये भी नहीं सोचते। तो अगर ये उनको दे, इनका लोकल पब्लिक की बात है कि पब्लिक की समझ में आए कि दीन आपका, अगर आप इस्लाम के नाम लेते हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपका दीन आपसे क्या कहता है, ये समझ में आएगा तो फिर वो मारने वाले आ ही नहीं सकेंगे, होंगे ही नहीं। इनको सिर्फ पब्लिक रोक सकती है, अवाम रोक सकते हैं, लेकिन अवाम को समझाना होगा, अवाम तक मैसेज भेजना होगा, अवाम का जहन बनाना होगा। वहां उनकी फैमिली जो है वो सोग में है, एक ही थोड़ी, वो जो सिख औरत थी उनकी भी, वो जो दूसरे, मुझे नाम उनका याद नहीं है, मैंने न्यूज में देखा था, जो स्कूल के अंदर टीचर थे, एक सिख थी, प्रिंसिपल थी, और वो दूसरे टीचर मेल थे, उनको मारा गया, वो कश्मीरी पंडित थे। इतना सा सिर्फ नहीं, कश्मीरी पंडितों को, मुसलमानों को जो चले गए हैं, अब कॉल देनी चाहिए, अच्छा पहले था, अब बड़ा वक्त हो गया। ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की हमेशा जिम्मेदारी होती है कि आगे बढ़ने के बाद चाहे जो कुछ हुआ, ये ब्लेम गेम किस लिए हुआ था? गवर्नर जगमोहन की वजह से हुआ था, एटीएस की, वहां की जो वहां की एटीएस की ज्यादतियों की वजह से हुआ था, उन्होंने झूठे केस बनाए थे, उन्होंने टेरर पैदा किया था, ये ब्लेम गेम की तो अब पुरानी बातें हो गई। अब तीसरी नस्ल है, वो लोग जो चले गए, वहां के लोगों को कॉल देनी चाहिए, इस बात को छोड़ दीजिए कि हुकूमत क्यों नहीं करती। जो घर से निकाले गए, कितने दिनों तक दुनिया के मुसलमान फिलिस्तीनियों का साथ देते रहे कि इनको गलत निकाला गया, आप क्यों साथ दे रहे हैं? उनको निकाला गया था वहां से, जिन्हें निकाला गया उनका वाकई हक था कि उनको वापस जाना चाहिए। बाकी मुसलमान क्यों साथ दे रहे हैं? ये तो कम्युनलिज्म है, इसलिए कि मुसलमान है, साथ देना बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि मजलूम है, तो फिर इनका भी साथ दीजिए, गलत फहमियां होंगी, समझ तो अपने आप को मजलूम रहे ना। अगर कोई चाल थी उसके अंदर, लोग तो शिकार हुए, लोग उस चाल को नहीं समझे, कुछ लोग जानते होंगे, इसलिए उन बातों को जाने दें, ये तो मजलूम थे। मैंने खुद देखा है उन्होंने कैसे कैसे कैंपों में जिंदगी गुजार रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने कैंप्स विजिट किए थे। एक कमरा है, एक घर, एक कमरा घर के नाम के ऊपर, ऊपर टीन की एस्बेस्टस की चादरें पड़ी हैं, इधर उधर पर्दे लटके हुए, वहां कपड़े बदलने के लिए सेपरेशन की बनी है, एक फैमिली मौजूद है, उसमें एक मैरिड, उसमें दो मैरिड कपल है, उसके अंदर उसी में माँ बाप भी हैं, उनकी जिंदगी तो है बिल्कुल ऐसी कि फिर वो अपना शौहर बीवी की जिंदगी ही नहीं गुजार सकते पूरी, बाकी तमाम पूरे अपनी जिंदगी गुजर जाएगी।
बड़ी पैथेटिक कंडीशन में, और भी बहुत सी चीजें उसको मैं यहां नहीं रख रहा, मैंने खुद देखा। सवाल यह है कि ये भी तो मजलूम है ना, चाहे किसी साजिश का शिकार होकर हो, आप ये कहते हैं ये कहते हैं, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, तो ये कम्युनिकेशन गैप है, ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो, और इसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी कम्युनिटी पर है। जैसे यहां पर हिंदुस्तान के अंदर ये जिम्मेदारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर है कि ये अगर कोई इख्तिलाफात हो गए तो वो आगे बढ़े, लेकिन नहीं नहीं पहले मुसलमान ठीक हो जाए और उसके खिलाफ झूठा प्रचार जारी रहेगा सारा, और कहते ही रहेंगे मुसलमान ठीक हो जाए। ये उनका काम है कि झूठे प्रचार खत्म करें, रुकवाएं, जानते हैं कहां से हो रहे हैं, अक्सरियत जानती है कि किस जगह से हो रहे हैं, और फिर इस मुल्क को उसके लिए तैयार करें कि जहां पर इत्तेहाद हो रहे, जिसे ये कहते हैं कि ये तो विश्व नरेश पद पर कायम होंगे, इमामत आलम के मनसब ऐसे होंगे, जैसे ये यहां पर माइनॉरिटी महसूस करती है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे वहां पर मेजॉरिटी में मुसलमान है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। मैं जब गया था, मैं तभी की बात कह रहा हूं, जब मैं इस मकसद से गया था उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, उस वक्त मैंने लोगों से बात की थी, कश्मीर में भी मैंने, वहां पर जम्मू में कैंप में भी बात की थी, चंद से नहीं की थी, मैं तफसील यहां पर नहीं रख रहा। कम्युनिकेशन गैप था, मैंने तब भी महसूस किया, गलत इत्तलाएं मिल रही थी दोनों। मुसलमान ये कहते थे कि आ जाए, वो हम नहीं मना कर रहे, हमने थोड़े निकाला था, हमें बदनाम कर रहे, कर दिया इन्होंने सारी दुनिया। अब बात पुरानी हो गई, आपको बदनाम कर दिया, आपकी नेकनामी इसमें है कि बुलाइए कि अपने घरों में वापस आओ और हम हिफाजत करेंगे, और हिफाजत तब कर सकेंगे जब आप इनको अपने दरमियान में नहीं रोकने दें, ये जो लोग मिसलीड हो गए इस्लाम के नाम पर और मिसलीड होकर दहशतगर्द बन गए। दुश्मनों के लिए क्या था रवैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रसूल रहमत का, हम किसकी बात करें इस कंपैशन के महीने के अंदर या इस माह रहमत के अंदर, आराम कर रहे हैं एक दरख्त के नीचे, आराम फरमा रहे हैं। साहबा जरा फासले पर थे, थोड़ा सा वो चूंकि आपस में बातचीत कर रहे थे तो रेस्ट लेने के लिए जरा फासले पर निकल आए, क्या आवाजें वाजें उनके कान में नहीं पड़े, एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए कुलूत भी आ गई। आ गया एक दुश्मन और उन्हीं की तलवार लेकर लटकी हुई थी पेड़ के, आवाज दी, बल्कि खुद ही चौंक कर उठे, अल्लाह वाले डरते नहीं, जिंदगी उसके हाथ में नहीं थी। उसने कहा मोहम्मद अब बताओ कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे, ये निहत्ते हैं, उसके हाथ में तलवार है, बराबर खड़ा हो। फरमाया अल्लाह, एक रौब तारी हुआ, जो कुछ भी था, जैसे भी हुआ, होता है बुजुर्गों की नजरों में रौब होता है उनकी नेकी की वजह से। हाथ कांपे, तलवार गिर गई, आपने आगे बढ़कर उठाई, कहा तुम्हें कौन बचाएगा, अब तलवार मेरे हाथ में, ये है ईमान वाले का और उसका फर्ज का, आप माफ कर दिया, जाओ। तो जो कत्ल करने के लिए आया था उसने कहा जाओ, तुमने ये एतमाद किया मेरे ऊपर कि आप मुझे नहीं मारेंगे, आप बचा लेंगे, तुम्हारे इस एतमाद की लाज रखी, जाओ। ये है सीरत, ये है रहमत, ये कर रहे हैं ये लोग यहां पर। इनको अगर समझ रहे हैं इनके साथ जाते बदनामी, आपको नेकनामी पूरी दुनिया में मिलेगी, आज कॉल दे दे, सब लोग वापस आओ अपने घरों को, हम हिफाजत करेंगे और हम उन लोगों को अब यहां नहीं रहने देंगे, वो नहीं बन पेगी यहां पर दहशत। मेरी आवाज कुछ कश्मीरियों तक पहुंचती है, मुमकिन है उन तक भी पहुंचे जिन्होंने ये कार्रवाई की, जो सचमुच दहशत गर्दी है, जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। मैं खुद जाऊंगा वहां, आवाज पहुंच रही है तो कर ले तैयारी मुझे मारने की, कहीं पर प्रोटेक्शन लेकर नहीं जाऊंगा, पहले से इतना देखे, वहां हम पब्लिक ओपिनियन बनाने जाते हैं, मुझे मार दिया तो मैं शहीद हूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, जब तक मेरी मौत नहीं आई इनके बस की बात नहीं है। इससे पहले हो चुके हैं दो वाकया, नहीं मारा, अल्लाह ने दिल बदला इसलिए हो गए। जाकर करने का काम है, खाली यहां से खड़े होकर तकरीर करने का नहीं। अब हमें यहां से कुछ करना होगा इसके लिए कि अगर ये नफरतें फैली, इन नफरतों को जहां मुसलमान ज्यादा है कम से कम वहां तो हम कह सकें
ये हमारी बात नहीं सुनते, हम यहां कुछ नहीं कर पा रहे, कम से कम वहां का नहीं जा, मुसलमान ज्यादा है। उनकी लड़की का नाम श्रद्धा, जिनका जिनको मार दिया बिंदु साहब, माखनलाल बिंदु। श्रद्धा ने कहा कि मैं कुरान पढ़ दूं, कुरान तो बड़ी अच्छी पहली बात है, उसे मारा है तुमने उनके बाप को। श्रद्धा के आंसू मेरी आंखों से बहे, और मैं श्रद्धा को ये पहुंचाना चाहता हूं ये बात कि हमारी सॉलिडैरिटी तुम्हारे साथ में है। हम यहां पर एक 30 मार्च निकालते हैं 11 रबीउल अव्वल को, 11 रबीउल अव्वल यानी इस बार 18 अक्टूबर को 30 मार्च निकालते हैं। इस बार वो 30 मार्च जो है इस सॉलिडैरिटी के लिए निकलेगा, जिसमें हम श्रद्धा के वालिद को खराज तहसीन देंगे और उसकी मजम्मत करेंगे उस टेररिज्म। ये इसमें यही नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग करते हैं वर्क के लोग, सारे आवाम से अपील करेंगे कि शरीक हो जाए ना, हो हमें करना है, सिर्फ यहां नहीं करना है, जहां जहां हमारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के लोग सब जगह होगा। लेकिन ये डेमो काफी नहीं, कुछ करना होगा, जाकर करना होगा। उस जाकर करने के लिए कुछ खतरात होते हैं, खतरे से कौन डरता है, आप में से क्यों डरते हैं? मैं आपसे कह नहीं रहा मेरे साथ चलिएगा, किसी से नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारी मौत जिस वक्त आएगी मर जाओगे, बहुत हसीन मौत होगी अगर किसी अच्छे कॉज के लिए मौत आ गई, लेकिन अब कुछ करना होगा और जाकर करना होगा। इनको ये मैंने यहां से दिया, मुमकिन है अब वहां के कुछ लोग जो है पहुंचा दें पैगाम उन लोगों तक।